दिस इज डॉक्टर सागर गोरे एंड वी स्टडी बायोलॉजी ऑफ 12th स्टैंडर्ड. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी स्टार्टेड इज द सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स. तो हमने इसमें देखा था कि जो हार्ट है, बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम है ओवरऑल, उसमें तीन चीजें आती है सर्कुलेशन में. एक तो होता है हार्ट, एक होते हैं ब्लड वेसल्स, और थर्ड वन होता है जो उसमें से बहता है वो ब्लड. सो ये तीनों कंपोनेंट है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं, या इन तीनों को जब मिलाएंगे तभी सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है. तो हमने शुरू किया था हार्ट से. तो हार्ट का हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, क्योंकि अगर पंप करने वाला ही नहीं है तो फिर ब्लड वेसल होके या ब्लड होके कुछ काम नहीं चलेगा. इसलिए हमने हार्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो देखा. फिर इंटरनली हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये भी हमने देखा है. अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट वो है कार्डियक एक्टिविटी. कहो कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है. इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे. एक है कार्डियक कंडक्टिविटी, इसमें कंडक्शन कैसे होगा, और दूसरा है कार्डियक साइकिल. ये सभी हम देखेंगे कि कार्डियक कंडक्टिविटी क्या होती है, कार्डियक साइकिल क्या होती है. इससे पहले ये देखो कि कार्डियक एक्टिविटी मतलब क्या होता है. तो बेसिकली स्टूडेंट, ये जो कार्डियक एक्टिविटी है इसमें दो इवेंट्स होते हैं. जब भी कार्डियक की एक्टिविटी होगी, मतलब जब भी वो फंक्शनल होगा, कुछ एक्शन करेगा, तब इसमें दो टाइप्स की एक्टिविटी होती है. एक इसमें होता है सिस्टोल और एक इसमें होता है डायस्टोल. तो ये दो इवेंट्स पर्टिकुलरली कार्डियक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसी को हम, ये जो सिस्टोल है इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और दूसरा होता है डायस्टोल. ओके, सो डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन. तो हार्ट जो है रिलैक्स हो जाएगा. ये दोनों इवेंट्स को जब एक साथ पढ़ते हैं तब कंप्लीट होती है कार्डियक एक्टिविटी. ओके, सो कार्डियक एक्टिविटी में एक तो सिस्टोल रहेगा या फिर डायस्टोल रहेगा, इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. लेकिन ये जब सिस्टोल और डायस्टोल एक कंप्लीट एक साइकिल होती है, तो इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट. ओके, सो कार्डियक का मतलब हार्ट का सिस्टोल होना और फिर डायस्टोल होना, इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट. और ये हार्ट बीट एक मिनट में नियर अबाउट होते हैं 72 पर मिनट. ओके, सो हर मिनट में कितने होंगे, 72 होंगे. क्लियर? सो हार्ट बीट आर 72 इन ईच मिनट, एक मिनट. ओके, अभी देखिए ये कार्डियक कंडक्टिविटी क्या होती है, ये बहुत जरूरी है. देखिए मैं यहां पे हार्ट निकाल रहा हूं, समझिए ये एट्रियम है ऊपर के दो, और यहां पे नीचे इस तरह ऐसे ये वेंट्रिकल है. इसका ये अपेक्स है जो नीचे की ओर है. ओके स्टूडेंट, देखिए. और ये इंटरनल साइड में इसके एट्रिया दिखाई दे रहे हैं. देखिए इस तरह ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स होंगे. इसी को हम कहेंगे राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल. आप कहेंगे राइट तो ये है, राइट ये नहीं है, राइट ये है, क्योंकि ये एनाटॉमिकल पोजीशन है. अगर मैं इस तरह खड़ा रहूंगा तो ये जो है राइट साइड रहेगी, ये लेफ्ट रहेगी. तो इस तरह आपको ये राइट है लेफ्ट है, ये पहले समझ लो. अगर ये समझ में नहीं आया तो पूरा सिस्टम आप समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी. यह है लेफ्ट एट्रियम और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल. कल जो हमने देखा था, मैं फिर एक बार इसको रिपीट करता हूं कि यहां से ऊपर के बॉडी पार्ट से जो आता है ब्लड वो होता है एसवीसी से आने वाला, मतलब सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है. ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि बॉडी पूरी यूज कर रही है और फिर उसके बाद ही आ रहा है. यहां नीचे से जो आएगा वो रहेगा आईवीसी, मतलब इंफीरियर वेना कावा से आने वाला,
और दोनों कहां ओपन होंगे, यहां पे राइट एट्रियम में ओपन हो रहे। फिर राइट एट्रियम से वो नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ये पंप करेगा, ये पंप करेगा तो ब्लड चला जाएगा लंग्स के लिए, मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड था। फिर यहां पे भी डीऑक्सीजनेटेड है, यहां डीऑक्सीजनेटेड। फिर दोनों तरफ से लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड होके आएगा वो आएगा राइट एट्रियम में, मतलब यहां पे कैसे रहेगा ऑक्सीजनेटेड। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और फिर यहां से पंप होने के बाद जाएगा बॉडी के लिए। तो इस तरह ये डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जो ब्लड है दो बार हार्ट में आके जाता है, एक बार उसे क्योर होना है तो। इसलिए हमें जो सर्कुलेशन मिलता है वो बेसिकली कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। ये आपको याद रखना है, डबल सर्कुलेशन, ओके, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल क्या होती है, सॉरी कंडक्टिविटी पहले देखते हैं, हार्ट की कंडक्टिविटी। देखिए जब भी हार्ट का कंडक्शन होता है मतलब क्या, तो इसमें प्रोड्यूस होता है हार्ट बीट। जो एक हार्ट बीट होता है इसके लिए प्रोड्यूस होता है एक पल्स, एक पल्स प्रोड्यूस होगी या फिर इसमें एक इलेक्ट्रिक वेव तैयार होगी, इलेक्ट्रिक वेव तैयार होगी। तो ये पल्स या इलेक्ट्रिक वेव क्या है, तो ये यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो उसी को हम देखते हैं। देखिए जब भी इलेक्ट्रिक वेव प्रोड्यूस होगी मतलब प्रोड्यूस करने वाला कोई चाहिए, तो यही मैं यहां पे लिख रहा हूं जो ओवरऑल कंडक्टिविटी रहेगी। देखिए सबसे पहले यहां पे जो तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक वेव है वो प्रोड्यूस करेगा SNO, SNO को कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये साइनो एट्रियल नोड है, मतलब ये एट्रिया में पाई जाती है। इसी को दूसरा नाम होता है पेसमेकर, जो हमेशा पूछा जाता है। हम पेसमेकर की बात एक बार लास्ट में फिर जब डिसीजेस पढ़ेंगे तब करेंगे कि पेसमेकर क्या होता है, ह्यूमन मिथ्स में उसकी जरूरत क्या है, उसको कैसे सर्जिकली फिक्स किया जाता है और वो कितने दिन चलेगा। तो SNO होता है, तो SNO जो है ये पेसमेकर है, मतलब वो क्या कर रहा है, इस पल्स को या वेव को क्रिएट कर रहा है, तभी कार्डियक में, कार्डियक मसल्स में या हार्ट में वेव प्रोड्यूस होगी। ये SNO कहां पे होती है, तो राइट एट्रियम के वॉल में होती है, जहां पर ये सुपीरियर वेना कावा ओपन होगी। कंसीडर करो कि यहां पे ये सुपीरियर वेना कावा समझो ओपन हो रही है, ऐसा कंसीडर करो, ओके। सो ये सुपीरियर वेना कावा जहां ओपन हो रही है उसके बाजू में रहेगी ये, यहां पर रही ये है SNO, वेरी इंपॉर्टेंट SNO, ओके। SNO ने ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस किए। बेसिकली SNO क्या है ये जरूरी है, ये है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मींस उसमें अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो उसको जरूरी है ऐसे इसमें चेंजेस हुए हैं। सो ये कार्डियक मसल ही है, इट इज अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल। हमने पढ़ा था कि कार्डियक मसल क्या होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब खुद वो एक्साइट कर सकते हैं खुद को, इसलिए ये खुद एक्साइट होगी, मतलब खुद वो वेव जनरेट कर सकती है। ऐसी SNO है जो कहां होती है, नियर SVC ओपनिंग, ये SVC के ओपनिंग के पास रहेगी, क्लियर। सो ये भी आपकी SNO, यहां से इसने इस तरह सब जो वेव है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब ये SNO कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब पल्स क्रिएट करेगी, तो ये पल्स पूरे कार्डियक मसल्स में एट्रिया में चले जाएंगे, तभी इससे क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एट्रियल सिस्टोल कब होता है, जब ये SNO कुछ वेव प्रोड्यूस करेगी। अभी ये पूरा सिस्टम है क्योंकि आपको यहां तक पूरा इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है या रिलैक्सेशन कराना है, इसका मतलब ये यहां से फिर कहीं जानी चाहिए, तो यहां से ये चली जाती है जहां पे कोरोनरी साइनस ओपन होता है, उसके बाजू में और एक नोड होती है जिसको कहा जाता है, एक हुई SNO दूसरी है AV नोड। इसी AV नोड को कहा जाता है पेससेटर। पेससेटर मींस पल्स को वो कंट्रोल करेगी कि हार्ट को कितना पल्स चाहिए, कितने पल्स में, समझो आप दौड़ रहे हैं तो आपके पल्स 72 नहीं रहेंगे, वो बढ़ जाएंगे, तो ये बढ़ने वाले पल्स कौन सेट करेगा, तो ये एवी नोड होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये कहां पे रहेगी, नियर कोरोनरी साइनस। ये इंपॉर्टेंट है कि कोरोनरी साइनस के नजदीक ये फिट होती है, कोरोनरी साइनस के नजदीक। समझिए कोरोनरी साइनस क्या है,
हमने कहा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एसवीसी ला रही है बॉडी के ऊपर पार्ट से और नीचे से आईवीसी ला रही है, तो ये हार्ट भी खुद एक ऑर्गन है, ये इसका इम्प्योर ब्लड ऑक्सीजन जिसमें यूज किया है तो ऐसा रहा, बचा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हार्ट का कहां से आता है, तो कोरोनरी साइनस से आता है, समझो कि ये कोरोनरी साइनस है और इस कोरोनरी साइनस के पास जो आती है ये होती है एवी नोड, ये याद रखिए। सो अभी ऐसे नोड ने तैयार की नोड, ये जो पल्स है, फिर ये कहां आई एवी नोड के पास, और फिर यहां पे एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है बीच में, यहां पे ऐसा इस तरह सेप्टम रहेगा जो आर्टेरिया और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, तो यहां से कुछ ऐसे बंडल्स फॉर्म होंगे जो बंडल्स आ रहे हैं, इन्हीं बंडल्स को कहते हैं। सो एक नंबर पे हुआ एसए नोड, फिर हमने देखा कि एवी नोड के पास आया, अभी थर्ड जो आ रहा है इसी को हम कहते हैं थर्ड जो है बंडल ऑफ हीस, ये बंडल ऑफ फाइबर्स होता है बंडल ऑफ हीस, तो ये हीस जो है ये बेसिकली साइंटिस्ट है, तो इन्होंने बंडल ढूंढ निकाले इसलिए इसे नाम दिया गया बंडल ऑफ हीस, तो ये बंडल ऑफ हीस यहां पे एक साथ आए जाएंगे एट, ये फाइबर्स है ओके, सो दीज आर फाइबर्स कंडक्टिंग फाइबर्स है, ये कंडक्टिंग फाइबर्स ऐसे नोड से पल्स आ गई एवी के पास, एवी से अब जा रही है इस तरफ ये सेप्टम की तरफ, और सेप्टम में से फिर ये नीचे कुछ ऐसे फाइबर्स जा रहे हैं जिन फाइबर्स को कहा जाता है परकिंजे फाइबर्स, जो पूरे हार्ट में मतलब वेंट्रिकल में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये जो है स्टूडेंट ये है बंडल ऑफ हीस, बंडल ऑफ हीस, और जो फाइबर्स नीचे जा रहे हैं इसे कहा जाता है परकिंजे फाइबर्स। सो बंडल ऑफ हीस से आगे कहा जाएगा, फोर्थ नंबर पे आता है परकिंजे फाइबर्स, जैसे ही परकिंजे फाइबर्स के पास आएगा ऐसे मायोकार्डियम जो है हार्ट की मसल उनमें वेव चला जाएगा, और इस वेव से आगे क्या होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब वेंट्रिकुलर क्या हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इस तरह ये हार्ट का जो है कार्डियक एक्टिविटी हमेशा चलता रहेगा। फिर एक बार समझ लीजिए क्या है, हम जब कार्डियक कंडक्टिविटी देखते हैं तो कार्डियक को ये ऑटो एक्साइटेबल है इसलिए इनको मायोकार्डियम कहा जाता है जो स्पेशलाइज मसल्स है। देखिए सबसे पहले ये एसए नोड होती है, इसमें चार कंटेंट आपको पढ़ने हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस और परकिंजे फाइबर्स। एसए नोड ऑटो एक्साइटेबल है क्योंकि ये क्या है मॉडिफाइड कार्डियक मसल है और कार्डियक मसल खुद अपने आप को एक्साइट कर सकती है इसलिए ये पल्स प्रोड्यूस करेगी। एसए नोड ने जैसे पल्स प्रोड्यूस किया ये ओवरऑल आर्टेरियम में पहुंच जाएगा, आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर ये पल्स नीचे आएगी एवी नोड के पास, जैसे कि एसए नोड को हमने कहा था पेस मेकर, एवी नोड को हम कहते हैं पेस सेटर, पेस सेटर मीन्स ये पल्स को कंट्रोल करेगा या मैनेज करेगा। फिर एवी नोड से ये फिर कुछ बंडल्स के थ्रू आगे आ जाती है बंडल ऑफ हीस में, और बंडल ऑफ हीस से फिर फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं जो अलॉन्ग सेप्टम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में जा रहे हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस तरह ये बन जाता है कार्डियक कंडक्टिविटी या हार्ट की कंडक्टिविटी। ओके चलिए, अब पूरे हार्ट में इस तरह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमेशा चलता रहता है और इसीलिए आगे जाके जो बन रहा है वो है कार्डियक साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक साइकिल। देखिए कार्डियक साइकिल क्या है, इसी से हम कंट्रोल इसे कंटिन्यू करते हैं। कार्डियक साइकिल क्या है, साइकिल है मतलब इसमें कुछ सर्कुलर इवेंट्स हो रहे हैं, सर्कुलर या इसमें कुछ साइक्लिक इवेंट्स हो रहे हैं। हम सर्कुलर या साइक्लिक कब कहते हैं, समझिए कि कोई चीज ए से निकल रही है ए पॉइंट से, फिर वो बी पे जाएगी, फिर सी पे जाएगी, फिर डी पे जाएगी और फिर फाइनली कहां आएगी ए पर आ जाएगी, ये तभी इसको हम कहेंगे कि ये साइक्लिक हो रही है, सर्कुलर फॉर्म में हो रही है। हार्ट में भी कुछ इसी इन चीजें होते हैं जो रिपीटेडली होती रहती है तो इसे को हम कहेंगे कार्डियक साइकिल। देखिए कार्डियक साइकिल में बेसिकली थ्री इवेंट्स बहुत जरूरी है जो होती रहती है। क्या होगा जब भी कार्डियक साइकिल होगी, एक तो होगा एट्रियल सिस्टोल, बहुत इंपॉर्टेंट है एट्रियल सिस्टोल। इससे पहले एक चीज समझ लो, जब भी ये हार्ट है ये जो हार्ट है
ओवरऑल हार्ट में तीन दो चीजें हमेशा होती रहती है। देखिए ये समझो चार चैंबर का हार्ट है, तो ये दोनों एट्रिया सिस्टोल होंगे, मतलब दोनों एक साथ आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, और जब रिलैक्स होंगे तो ये दोनों कभी एक साथ रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल। रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? डायस्टोल। ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो सकते। दोनों एक साथ रिलैक्स हो सकते हैं लेकिन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर समझो एक बलून है और उसको आप दोनों तरफ से दबा रहे हो तो वो क्या होगा? फूट जाएगा या फट जाएगा। तो इस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये रिलैक्स होना चाहिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी रिलैक्स होना चाहिए। दोनों एक साथ रिलैक्स रह सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ दबाएंगे इस तरह तो ये इसके ऊपर लोड आ जाएगा, फिर हार्ट फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लो। देखिए जब भी एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल एक इसमें इवेंट है, दूसरी इवेंट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन थर्ड चीज जो है एक साथ हो सकती है और वो है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम एक एक चीज देखते हैं। एट्रियल सिस्टोल पहले पढ़ेंगे। एट्रियल सिस्टोल मतलब होता क्या है? देखिए फिर से हम वही डायग्राम पे जाते हैं क्योंकि डायग्राम के बिना समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, ये हार्ट है और इसके चार चैंबर, अभी मैं उसको बहुत डिटेल नहीं निकाल रहा। एट्रियल सिस्टोल हो रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है स्टूडेंट? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब समझो ये जो है एक्चुअल लाइन है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मैं यहां पे कुछ ऐसे डॉट से ये दिखा रहा हूं, ये डॉट होने के बाद इसका साइज इतना हो जाएगा लेकिन ये रिलैक्स रहेगा। तो यहां कुछ कोई भी चीज आप एक जगह दबा रहे हो तो वो आगे चली जाएगी। समझो यहां पे ब्लड है और इसको आप पंप कर रहे हो, या इसको आपने प्रेशर क्रिएट किया है यहां पे, इसका वॉल्यूम कम कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब भी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से कुछ नीचे चला जाएगा और यहां से भी कुछ नीचे चला जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब भी एट्रियल सिस्टोल होता है तो कहां से? इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या चेंजेस हो रहे हैं? देखिए राइट एट्रियम छोटा हो रहा है और फिर वहां से कौन सा ब्लड, यहां कौन सा ब्लड आया था? ऐसा यहां एसबीसी ने लाया था डीऑक्सीजनेटेड, यहां आईबीसी ने लाया था डीऑक्सीजनेटेड, यहां कोरोनरी साइनस ओपन हुआ था उसने लाया था डीऑक्सीजनेटेड। मतलब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओ मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है स्टूडेंट? राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। वेरी सिंपल, इसको आप एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझ लो कि राइट वेंट्रियम को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आया। बेसिकली इसका एक रूट कैसा है वो पहले समझ लो। देखिए वेरी सिंपल, इस तरह कुछ है, ऐसे बाहर जाएगा फिर आएगा फिर बाहर जाएगा, ऐसा है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां एट्रिया है, यहां वेंट्रिकल है, आ गया, फिर हमने यहां लंग्स के लिए उसको भेजा, फिर लंग्स से फिर वापस आया और फिर वेंट्रिकल में आया, फिर बॉडी के लिए जा रहा। इस तरह हार्ट का पंपिंग हमेशा होता रहेगा, यही यहां पे होगा। देखिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया एट्रियम, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां आ गया? वेंट्रिकल में आ गया डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन तब यहां पर कुछ वॉल्स हमने देखा था कि जो वॉल्स होते हैं, कौन सा वॉल होता है? यहां पर राइट साइड में है तो इसे हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। और लेफ्ट में कौन सा होता है? लेफ्ट में होता है बाइकस्पिड वॉल, और इसी को हम कहते हैं मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल। मैंने कहा था कि रूमेटिक हार्ट डिसीज जो है आरएचडी, बेसिकली कहां पे ये रूमेटिक, ये रूमेटिज्म कहां पे देखने को मिलता है? ये इसी वॉल को डैमेज करता है, इसलिए ये वॉल रिप्लेस करना पड़ता है बहुत सारे लोगों में। ठीक है, चलिए बैक आ जाते हैं। एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल जैसे ही हुआ तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड था क्योंकि पूरे बॉडी से आया है। लेकिन हम ओवरऑल एट्रियम का सिस्टोल बोल रहे, मतलब यहां पे लेफ्ट एट्रियम भी होगा। लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है? लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड होगा? यहां पे डीऑक्सीजनेटेड है, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, यहां से निकल रहे थे क्या पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, ये कुछ राइट के लिए जा रही है, लेफ्ट में जा रही है, दोनों लंग्स के पास चला गया, फिर लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड किया। और फिर मैंने कहा था कि अगर यहां पे लंग है, यहां पे लंग्स है, तो दोनों लंग्स जब प्यूरिफाई करेंगे तब ब्लड यहां पे लाके फोर ओपनिंग्स में ये ओपन होता है, तो यहां पे अब आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
क्लियर, मतलब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। क्लियर, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया मतलब यहां पे डीऑक्सीजनेटेड है, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये हुआ आपका एट्रियल सिस्टोल। तब इस समय जब ये ब्लड आपको नीचे भेजना है तो यहां पे कुछ ओपनिंग्स चाहिए, तो ये ओपनिंग हो जाती है, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा, यहां पे बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा। अगर ये ओपन नहीं होंगे तो ब्लड कहां जाएगा? फिर एक चीज हमने देखी थी कि ब्लड आईवीसी में नीचे जा सकता है, इसलिए हमने यहां स्टेशन वॉल रखा था, जो ये समझो ये यहां ओपन हो रहा है तो यहां पे हमने स्टेशन वॉल रखा था। कोरोनरी साइनस में हमने थेवेशियन वॉल देखा था, लेकिन एसवीसी में कोई वॉल नहीं होता है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस तरह ऐसे ओपन होते हैं कि यहां से ब्लड ऊपर नहीं जा सकता। वेरी सिंपल, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, चलो अभी ये हुआ एट्रियल सिस्टोल का। जब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, वो देखिए, ये आपको बाद में स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अभी हम बात करेंगे सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। क्या होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल? वही कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए, अब ब्लड यहां पे था, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब ब्लड कहीं पे जाएगा। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल, तब यहां से निकलने वाली पल्मोनरी ट्रंक, या इसे ही पल्मोनरी एओर्टा भी कहा जाता है। अब मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब भी हम एओर्टा आर्टरी कहेंगे या ट्रंक कहेंगे, तब उसमें आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होगा और वेन में हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन एक बात याद रखो कि यहां पे ये एक्सेप्शन है, क्योंकि दूसरा ये भी मिलेंगे कि जो हार्ट से बाहर जाएंगे वो उसे आर्टरी कहा जाता है, जो हार्ट के तरफ आएंगे उनको वेन कहा जाता है। तो भले ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, फिर भी ये क्या है, आर्टरी ही है, इसलिए हम इसको एओर्टा कह रहे हैं, पल्मोनरी एओर्टा। ये कहां चला जाएगा, लंग्स के लिए। अब ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल चाहिए, राइट वेंट्रिकल करेक्ट है। अभी हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। जब हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, ये यहां से, तो यहां से ओपन हो रहा है कौन सा ट्रंक, सिस्टेमिक एओर्टा, जो ओवरऑल बॉडी के लिए ऐसा जाता है, फिर ऊपर इसके ब्रांचेस पड़ते हैं, तो यहां पर हम कहेंगे सिस्टेमिक एओर्टा, ओके, या फिर आर्च ऑफ एओर्टा, दोनों ही एक भी है, सिस्टेमिक एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। लेकिन याद रखो, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये जरूरी है कि अगर आप इस ओपनिंग में कुछ भेजना चाहते हो तो पहले वाले जो वॉल्स है अंदर में, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज हो जाएंगे, तो ये डीऑक्सीजनेटेड, जब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्लोजर ऑफ, किसका क्लोजर होगा, राइट में ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी, और लेफ्ट में यहां पे क्लोजर होगा किसका, बाइकस्पिड वॉल, या फिर इसे मिट्रल वॉल कहा जाता है। क्लियर, तो इस तरह टोटल हो रहा है। अभी ये जो सिस्टोल हो रहे हैं अलग अलग, इसको मैं लिख देता हूं, देखिए एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, क्वेश्चन पूछा जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है 0.3 सेकेंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टोटल जो साइकिल हो रही है जिसमें पूरे इवेंट हो रहे हैं, वो होते हैं टोटल साइकिल का टाइमिंग है 0.8 सेकेंड। लेकिन जॉइंट जो डायस्टोल रहेगा तो उसमें ये दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहेंगे, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। तो जब ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये दोनों रिलैक्स हुए मतलब यहां से फिर ब्लड नीचे आएगा, यहां से फिर नीचे आएगा, और ये दोनों एट्रिया भी भर जाएंगे। तो जॉइंट डायस्टोल का जो टाइमिंग है स्टूडेंट, जॉइंट डायस्टोल, ये जॉइंट डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड का, 0.4 सेकंड। अगर इसको हम अभी, ये वो इसका टाइमिंग के बारे में या फिर इवेंट्स कैसे होते हैं, फिर इसको एक बार हम इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते हो। देखिए, अब मैं बड़ा हार्ट निकाल रहा हूं जिसके कारण आप समझ जाएंगे,
देखिए ये हार्ट है जो लेफ्ट साइड में रहेगा। अभी यहां पर पूरा डायग्राम में आपको समझ लेना है जिसके कारण कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व कर सको। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने कुछ ऐसे फोल्डिंग्स निकाले थे जो कि वेंट्रिकल में कुछ फोल्ड्स होते हैं जिसको क्या कहा था, कॉलमनी कॉर्नी। याद रखेंगे ये कॉलमनी कॉर्नी है। ओके, एन फोल्डिंग्स है। अभी सबसे पहले तो ये आपको क्लियर है कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये क्या है, ऊपर से बॉडी पार्ट से आ रहा है ब्लड एसबीसी, ये क्या है आईबीसी इंफीरियर वेना कावा। यहां पर हार्ट का खुद का ओपनिंग होगा जिसे क्या कहेंगे, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, ब्लड पूरा आया, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यहां पे एक वॉल है जिसको क्या कहते हैं, मैं यहां पे इसके ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है मैं यहां पे इसको इधर ले देता हूं कि ट्राइकस्पिड वॉल है। ट्राइकस्पिड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें थ्री फ्लैप्स होते हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल है और इस तरफ जो रहेगा उसमें दो ही कंसकस्पिड है इसलिए इसके इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, या इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल। मैंने कहा था कि मिट्रल वॉल में ही रूमेटिक हार्ट डिसीज ज्यादा होता है या फिर यही वॉल है जो हमेशा डैमेज होती है। ओके, सो यहां पे ये वॉल है। फिर हमने देखा था कि जो यहां से नीचे चला जाएगा और इधर कुछ ओपनिंग्स रहेंगे, तो यहां पे हमने देखा था कि चार ओपनिंग्स रहते हैं पोस्टेरियरली। वो चार ओपनिंग्स किसके हैं, पल्मोनरी ओपनिंग्स रहेंगे, पल्मोनरी ओपनिंग्स। ओके, क्लियर है आपको, ये पल्मोनरी ओपनिंग हो गए। अब यहां पे देखिए हम इवेंट्स के साथ देखते हैं कि ब्लड यहां से आया, यहां से भी आ रहा है, यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सिस्टम है यहां पे क्या होता है, हमने कहा था कि ये सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के पास रहेगा। ये कौन सी नोड है, एसए नोड, जिसी को हमने क्या कहा था, पेस मेकर, मतलब ये वेव सेट करेगी, वेव सेट नहीं करेगी, वेव प्रोड्यूस करेगी, एसए नोड पेस मेकर है। यहां से फिर एसबीसी के पास एक है जिसको हम कहते हैं एवी नोड, ये एवी नोड है, ये पेस मेकर है, पेस बनाएगी, ये एवी नोड पेस सेट करेगी, इसलिए ये एवी नोड है, पेस सेटर कहा जाता है। फिर यहां से एक निकलेगा बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज है, और फिर नीचे यहां से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से नीचे कुछ फाइबर्स जा रहे हैं जिनको हम कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो ये इस तरह कंडक्टिंग सिस्टम रहेगा। अभी ब्लड यहां से आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ओपनिंग किसका होगा, ट्राइकस्पिड वॉल का ओपनिंग होगा, फिर ये नीचे चला जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से, मतलब यहां ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां से ब्लड ऊपर जा रहा है कुछ ऐसा, तो ये लंग्स के लिए जाएगा, इस तरफ जाएगा राइट लंग के लिए, यहां जाएगा लेफ्ट लंग के लिए। मतलब अभी ऑक्सीजनेशन की जरूरत है इसलिए ब्लड इस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर अगर समझो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब इसमें ब्लड जाना चाहिए, तो यहां से फिर नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए यहां जो वॉल होती है वो इंपॉर्टेंट है। यहां होता है सेमी लूनार वॉल, सेमी लूनार मीन्स सेमी मून, मतलब हाफ मून की तरफ, इसलिए दोनों भी एओर्टा में, समझो यहां से लंग के पास गया, फिर लंग ने यहां से इसको फिर प्योर करके यहां पे पोरिंग इसका हो रहा है, फिर ये वापस आ रहा है, फिर यहां से ब्लड नीचे गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब यहां से ब्लड फिर जा रहा है ये कुछ इस तरह ऐसे आर्च ऑफ एओर्टा में या सिस्टेमिक एओर्टा में, तो यहां पे भी सेमी लूनार वॉल रहेगी। मतलब मैंने जो कहा कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है तो कुछ इस तरह, यहां से ब्लड आ रहा है फिर लंग्स में चला जाएगा फिर वापस आएगा फिर बॉडी के लिए चला जाएगा, तो इस तरह ये कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक कंडक्टिविटी रहती है। और इसी तरह जो चार इवेंट्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिस्टोल होता है एट्रियम का, फिर वेंट्रिकल का, और जॉइंट डायस्टोल रहेगा, इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, जिसका टाइमिंग होता है 0.8 सेकंड में ये पूरा रहेगा, और इसीलिए 0.8 सेकंड में होता है तो टोटल 72 बीट्स पर मिनट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
ओके सो ये था अबाउट हार्ट, उसके ओपनिंग्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसकी एक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बाद कार्डियक साइकिल। तो यहां पर ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम वेसल्स के बारे में देखेंगे और फिर लास्ट में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मीट इन अपकमिंग वीडियो। सो कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।